हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.1 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों एक बर्तन दे रखा है खोखले अर्धगोले के आकार का और उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। आकृति को बनाते हैं पहले। इस तरह से एक अर्धगोला है, खोखला जैसे कटोरा होता है उस शेप का है ये अर्धगोला। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है इस तरह से। ये भी अंदर से खोखला है। अर्धगोले का व्यास दे रखे हमें 14 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 है तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी यहां से लेकर के और यहां तक ये 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास हमें दिया है गोले का, अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो ये त्रिज्या हमारे पास 7, ये भी हमारे पास 7 हो जाएगी। इस पात्र की कुल लंबाई, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लंबाई, कुल लंबाई ये हमारे पास ये कुल लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। बच्चों जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर है तो हम ये निकालेंगे h। यहाँ से लेकर के यहाँ तक h है बेलन की ऊंचाई, जो खोखला बेलन है उसकी ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी h? यहाँ से यहाँ तक की जब 13 है और ये है हमारे पास 7, तो h हो जाएगा हमारे पास 13 घटा 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे बर्तन का क्षेत्रफल बताना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आंतरिक होता है अंदर का, इसके भीतर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? हमें दिया है अर्धगोले का व्यास, चौदह सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर। बर्तन की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, खोखले बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 13 घटा 7, 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है बर्तन का क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्ध गोले का क्षेत्रफल जमा इसे बेलन का क्षेत्रफल। बच्चों अर्ध गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वेयर जमा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h। कोई भी सवाल करने से पहले आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप सवाल को कर सकते हैं। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वेयर और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h, क्योंकि बेलन यहाँ पर खोखला है, जिसका क्षेत्रफल होगा यहाँ पर पृष्ठीय 2 पाई आर h। यहाँ से हम 2 पाई आर को लेंगे कॉमन, बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा आर जमा एच। 2 पाई आर हमने बाहर ले लिया। मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान दे रखा है 22/7। आर त्रिज्या हमारे पास है 7। जो हमारे पास ऊपर जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या और इस नीचे वाले अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या होंगी? समान होंगी। क्यों? क्योंकि ये इस अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर अध्यारोपित है, इसी आकार का है। जितना इस अर्धगोले का व्यास है इतना ही व्यास होगा इस बेलन का।
इतना ही व्यास होगा इस बेलन का, जो बेलन के ऊपर जो वृत्ताकार भाग है उसका व्यास कितना होगा, जितना इस अर्ध गोले का है। तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। तो ये त्रिज्या भी हमारे पास होगी 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मान रखेंगे आर का मान 7 जमा एच, एच हमारे पास है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 गुणा 22 44 गुणा 7 जमा 6 13 गुणा करेंगे, पाँच सौ 72 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल।